हेलो यार, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी है। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, और आज हम इसमें करने वाले बच्चों आपके एक्सरसाइज या अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा किया जाता है तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बदल जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कंसिडर करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पर विचार करना है। अब इसके अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी पिंडों के बीच का जो आकर्षण है, वो हम कैसे दर्शा सकते हैं बच्चों? इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास M1 और M2 क्या है, दो पिंडों का द्रव्यमान या जो मास है टू ऑब्जेक्ट्स का है। जी क्या है, ग्रेविटेशन कोर्स है, कॉन्स्टेंट है, यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्यू की डिस्टेंस क्या है, रिड्यूस हो गया है आधा। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसे रिड्यूस करना है आधे पे। तो आर इज इक्वल टू 1/2 R, ठीक है। वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, F इज इक्वल टू 4F। यानी देयरफॉर वंस द स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, then the force of gravitation will increase by 4-fold the first force, यानी 4 गुना बढ़ जाएगी वो फोर्स। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, आर बटे 1/2 आर का स्क्वायर किया, ये आ गया आर बटे 4। ये नीचे था, इसे ऊपर लेके गए तो क्या आ गया 4। अब क्या हुआ, जी M1 M2 / R, ये तो आपका नॉर्मल रह गया, तो इसे हटा दिया हमने सारी चीज़ों को, और 4 यहाँ पे एक एक्सटर्नल वैल्यू थी हमारे पास जो देखने को मिल रही थी हमें, वो क्या होगी F। तो ये क्या होगा, 4 गुना बल बढ़ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस व्हेन दे हैव दस ए हैवी ऑब्जेक्ट नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। यानी गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं पर उनके द्रव्यमान के अनुपात में कार्य करता है, फिर कोई भी भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो होता क्या बच्चों, जो ऑब्जेक्ट गिरती है वो गिरती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के कारण, जिसे हम स्मॉल जी या छोटे वाला जी कहते हैं। तो उसकी वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, जिस वजह से क्या होता है, हैवियर हो या फिर लाइटर हो, वो क्या है, अपने हिसाब से ही गिरता है बच्चों। यानी वो हवा की प्रतिरोध ना हो ऐसी कंडीशन को छोड़ करके अपने हिसाब से ही गिरेगा, वरना अगर हवा का प्रतिरोध हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, आपको गिनने में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस हमें देखना है, और मास ऑफ अर्थ क्या लिया है हमने, 16 × 10⁴ kg, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁶ मीटर। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कह लीजिए या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह लीजिए, उसका फॉर्मूला ये रहा, वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो ये आएगी लगभग आपकी 9.8 न्यूटन। यानी अर्थ क्या करती है, एक फोर्स एग्जर्ट करती है 9.8 न्यूटन की, जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशन फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और ऑफ द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ बाय। यानी पृथ्वी और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, क्या
पृथ्वी चंद्रमा को अधिक कम बल से आकर्षित करती है या बल के समान आकर्षित करती है, या जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित करता होता है उसके बारे में आपको बताना है। अब ये जो दो आकर्षण बल चल रहे हैं उनके लिए भी हमें फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा, जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यानी एफ इजिकल जी एम ई एम ओ अपॉन डी स्क्वायर। अब डी क्या है बच्चों, यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। एम ओ क्या है, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून, एम ई एम ओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं बढ़ता है। तो होता क्या बच्चों कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो चाहे वो विपरीत दिशा में ही हो, तो पृथ्वी चंद्रमा उसी बल से आकर्षित करता है जिस पे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों भी विपरीत दिशा में हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में द्रव्यमान तो बड़ा है, इसलिए जो पृथ्वी और चंद्रमा का त्वरण दर है वो कम गति से बढ़ता है, और पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, यानी यदि ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का क्या होता है। पहली कंडीशन क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डबल, अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कर दिया डबल तो क्या होगा, 2F फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि एक जगह क्या आ गया, 2 आ गया आपके पास। फॉर्मूला आपका वही यूज करना है, कंफ्यूज मत होइएगा, जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट का 2 कर दिया हमने तो क्या आ गया, 2F फोर्स लगेगी, डबल हो जाएगी फोर्स। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, अगर डिस्टेंस जो है डबल या ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जो फोर्स है वो क्या होगी, एफ बटे चार होगी, यानी अगर जो डिस्टेंस है उसे बढ़ा दिया गया, दो गुना कर दिया गया, तीन गुना कर दिया गया तो एफ बटे नाइन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अब क्या कहता है बच्चों, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू 4F, यानी जो फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी के क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।